नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे सीधा सवाल, मिस्टर पीएम, इस देश की जनता को यूं ही मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है आपने? कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक सुकून भरी खबर से जो आ रही है अमेरिका से, जहां पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बहुत ही तगड़ा संघर्ष चल रहा है रेसिज्म के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ। वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई, उस मामले में चार जो पुलिसकर्मी थे जो दोषी पाए गए थे, उनके खिलाफ कम से कम आरोप तय हो गए हैं और आरोप बहुत गंभीर ढंग से तय हुए हैं। और इसे लेकर आंदोलनकर्ताओं में एक बात का सुकून है कि संघर्ष करने से, लड़ने से कुछ तो मिलता ही है। इस समय देश के हालात बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावने हैं। हर तरफ एक ही ढंग की स्टोरीज हैं, एक ही तरह की खबरें आ रही हैं और वे सारी खबरें इंसानियत को तार तार करने वाली हैं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाली हैं। इसी के मद्देनज़र हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल। उन्होंने महज 4 घंटे में पूरे देश को लॉकडाउन में डाला था, उस समय 500 के करीब मामले थे और आज जिस समय देश पूरी तरह से खुल गया है, लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ नहीं है, उस समय हमारे सामने 2,66,000 केसेस हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जब देश लॉकडाउन में गया उस समय 9 से 10 मौतें हुई थी और आज अगर हम अपने अगल बगल में देखें, आप अपने अगल बगल में देखें, तो हर जगह एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह की मौतों का ब्यौरा, एक ही तरह से अस्पतालों का इनकार करना, सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। ऐसे अनगिनत वीडियोज़ हमारे पास पहुँचे हैं, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से सबसे पहले देखिए, सूरत से एक व्यक्ति ने भेजा है जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट जागृत पटेल। अभी भी जागृत क्वारंटाइन पीरियड में हैं, लेकिन उन्होंने सबको बताने के लिए वीडियोस बनाए जब उन्हें कोरोना हुआ, जब उन्हें भेजा गया, और ये वीडियोस के ज़रिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर है वह कितना जर्जर है और वहाँ से जो लोग बच के आ रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कितनी तगड़ी होगी तभी वे बच के आ पा रहे हैं। हमें जहाँ रखा गया था, जिस बेड पे हम सो रहे थे, उनके ऊपर जो फैन थे वो भी जमे हुए कचरे और मलबे से ढके हुए थे। जैसे ही हम सोते और फैन को चालू करते तो ऊपर से वही मलबा और जमा हुआ कचरा हम पे गिरता। पीने का जो पानी दे रहे थे वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे थे। एक दिन पूरे दिन के लिए सिर्फ 1 लीटर की 2 ही बोतल हमें दी जा रही थी। अगर टॉयलेट सेक्शन की बात करूँ तो हम 25 मरीज एक ही साथ एक ही वार्ड में थे, तो 2 टॉयलेट होने के बावजूद 1 टॉयलेट बंद था। इसलिए आप समझ सकते हो कि 25 मरीजों के बीच सिर्फ एक ही टॉयलेट था और वही 25 मरीजों के बीच सिर्फ एक ही सैनिटाइजर की बोतल रखी गई थी। मैं इसी दौरान इसी असुविधाओं के साथ सोच रहा था कि ये हमारे इलाज के लिए अस्पताल है या अभियुक्तों को दंडित करने के लिए काल कोठरी। इसी तरह का एक वाकया दिल्ली में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको इस समय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जब उनकी खुद की रिश्तेदार कोरोना से ग्रसित हुई, उनको बचाने के लिए वे अस्पताल तक के दरवाजे नहीं खुलवा पाए, बहुत देर हो गई और उन्हें अपनी रिश्तेदार से हाथ धोना पड़ गया। यहाँ पे बात सिर्फ जिंदा लोगों की ही नहीं, यहाँ जो ट्रेजेडी है वो उससे बाहर भी है, उसके आगे भी है। यह ट्रेजेडी हमारे अपने परिजनों की लाशों के साथ भी हो रही है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, अस्पतालों की मॉर्चुरीज भरी हुई हैं, एम्बुलेंसेज में जहाँ 1 डेड बॉडी को जाना चाहिए था वहाँ पर 20-20 जा रही हैं। दिल्ली में 2 लोग जिनका नाम एक है, मोइनुद्दीन, उनकी मौत कोरोना से होती है, अस्पताल में मौत होती है और उनके परिजन पहुँचते हैं लाश के पास ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। एक व्यक्ति को उसके पिता की लाश के नाम पर 2 बार लाश दे दी जाती है। पहली बार लाश मिलती है वे उसे दफना देते हैं, फिर अस्पताल से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि वो लाश आपके पिता की नहीं थी, यह दूसरी लाश आपके पिता की है। और वहीं उसी समय उस व्यक्ति का इंतज़ार, उस व्यक्ति की लाश का इंतज़ार उसके घर वाले कर रहे थे और घर में एक और ट्रेजेडी तब तक हो चुकी थी।
उनकी पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके शौहर का निधन कोरोना से हो गया है, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। लेकिन इस परिवार की किस्मत में अस्पताल की वो बेरुखी लिखी थी कि वहाँ पर लाश नहीं पहुँच पाई। लगातार 4-5 दिन तक वो परिवार वाले कोशिश करते रहे कि भाई, बड़े भाई की लाश मिल जाए, लेकिन लाश नहीं मिली। और बाद में पता चला कि किसी और व्यक्ति ने उसे अपना पिता समझ के दफना दिया है। परिवार वाले तब तक थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि जहां वे दफनाए गए हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। यह मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ऐसे तमाम वाक़े अहमदाबाद से हमारे सामने आए हैं, ऐसे तमाम वाक़े मुंबई से हमारे सामने आ रहे हैं, देश के कोने कोने से हमारे सामने आ रहे हैं। उससे जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि जो पूरा सिस्टम है वह कोलैप्स कर रहा है। इसकी तैयारी कहीं से भी इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए नहीं की गई थी। मोदी जी, आप कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजवा रहे थे। इस समय कम से कम देश की राजधानी आपके घर से बहुत पास एम्स में नर्सें जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आंदोलन कर रही हैं, वे मांग उठा रही हैं, वे चाहती हैं कि आपकी सरकार तवज्जो दे। वे कह रही हैं कि जिस तरह का पीपीई उन्हें दिया गया है वह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर का कारण बन रहा है, उससे उन्हें संक्रमण हो रहा है, उससे वे बता रही हैं कि किस तरह से फफोले पड़ रहे हैं उनके शरीर पर। और जो महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत उसमें हो रही है वो यह है कि वे सैनिटरी पैड नहीं बदल सकती हैं, वे बार बार टॉयलेट नहीं जा सकती हैं। ये सारी दिक्कतें देश की नर्सें आपसे कहना चाह रही हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हैं। मोदी जी, कार्यक्रम की शुरुआत हमने आपसे सवाल के साथ की थी और कार्यक्रम का खात्मा भी हम आपसे सवाल के रूप में ही करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब देश इतने अभूतपूर्व संकट से है तब कैसे आपकी पार्टी, आपकी सरकार चुनावी बिगुल बजा रही है। देश के गृहमंत्री अमित शाह जिस तरह से वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लिए चुनावी बिगुल बजाते हैं, 72,000 LED स्क्रीन्स लगाकर चुनावी बिगुल बजाया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, क्या ये करोड़ों रुपए इस देश की जनता जो कोरोना संकट से जूझ रही है, लड़ रही है, मर रही है, उसके इलाज के लिए नहीं खर्च होने चाहिए थे? क्या उन नर्सों के लिए खर्च नहीं होने चाहिए? कैसे और क्यों ये सरकारें, आप और आपके जो तमाम और मंत्री हैं, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं इस भयावह स्थिति में? क्यों नहीं कोई रास्ता निकाल रही हैं सरकारें? जैसे कि संकेत है, खबरें हैं, आने वाले दिन भारत के लिए और कष्टप्रद होंगे, भारतवासियों के लिए और मुश्किल होगा कोरोना से लड़ना, और ख़ास तौर से ऐसे समय जब पूरी तरह से इकॉनमी को खोल दिया गया है और ये मान लिया गया है कि हम और आप अपने बलबूते लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठाना ज़रूरी है, सच को सामने रखना ज़रूरी है और सच को औजार बना के लड़ने की जो हमारी कोशिश है इसे आपके साथ की ज़रूरत है। देखिए, लाइक करिए खोज खबर, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच को ज़िंदा रखा जा सके। शुक्रिया। Thank you.